भारतवर्ष संतों की भूमि है। संतों के आशीर्वाद से ही इस पवित्र भूमि का रक्षण हो रहा है। इन्हीं महान संतों में श्री श्री रविशंकर महाराज का नाम अग्रिम श्रेणी में आता है। श्री श्री गुरुदेव जी एवं उनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा करोड़ों भारतवासियों की जीवन को उत्तम बनाया गया है। महाराष्ट्र मुख्य रूप से मुंबई में फरवरी 25, 26 और 27 को गुरुदेव के पावन चरणों का पदार्पण हो रहा है और गुरुदेव के आगमन के उत्साह की लहर उनके अनुयायियों में फैल गई है। तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी अल्फा पटेल की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रतीक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज के स्वागत के प्रतीक स्वरूप गुरु पूजन एवं सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांदिवली स्थित पोईसर जिमखाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीडांगण के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर मुंबई के उघान स्मार्ट सांसद गोपाल शेट्टी को आमंत्रित किया गया था। भारतीय जनता पक्ष की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के चलते गोपाल शेट्टी कार्यक्रम में सहभागी न हो पाए, पर सभी ने अपनी अनुपस्थिति का खेद जताते हुए तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को शुभेच्छा दी। कार्यक्रम में 300 से अधिक गुरु भक्तों ने भाग लिया और गुरु पूजन का आनंद प्राप्त किया। धर्मेंद्र जोशी के नेतृत्व में एक सफल कार्यक्रम भक्ति लहर संपन्न हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का धन्यवाद करूंगा कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने मुझे आज सबसे पहला मुंबई के अंदर ये सत्संग ऑर्गेनाइज करने का मुझे मौका मिला उनके ग्रेस से। और आज ये जो सब व्यवस्था देख रहे हो, इतने लोग जो जुड़े हुए हमारे साथ, तो ये व्यवस्था के अंदर हमारे माननीय खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी, आज उनके बदौलत, इनके आशीर्वाद से मैं ये तरह से प्रोग्राम ले सकता हूँ। उनका सपोर्ट हमेशा रहता है मेरे साथ, भले मैं चाहे भाजपा के अंदर लूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गुजराती सेल उत्तर मुंबई प्रकोष्ठ के संयोजक के अध्यक्ष के तरह लूँ या मेरे ट्रस्ट में लूँ, वो सदैव साथ देते हैं। आज दूसरे हमारे आमदार कोई आ नहीं सके, सबको इन्विटेशन था, उसका रीज़न ये है कि सब लोग नासिक में कार्यकारिणी बैठक के अंदर सब बिजी है। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सबने सपोर्ट किया बात करके मुझे। और आज जो तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ, ये समझिए कि गुरु ग्रेस एक मेरे पे है कि मैंने मेरी जो एक टर्निंग लाइफ है वो गुरुजी ने चेंज की है, तो मुझे आज मौका मिला, सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है। तो जो आप जिस तरह से काम करते हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है, जो भक्ति से आप जुड़े हुए हैं, उसी की जो ऊर्जा है, उससे आप लोगों के लिए, कुछ बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए आप इस तरह से प्रोग्राम ले पाते हैं? देखिए, मैंने ना जब गुरुजी से पहली बार मिला था तो एक भाव अंदर से पैदा हुआ, उनके तीन शब्द मुझे याद है, साधना, सेवा और सत्संग। जब मैं हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब को मिला था, उनके भी ये वर्ड मिले, साधना, सेवा, सत्संग। वो भी हमेशा कहते हैं, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि आप समाज के बीच में रहिए, अच्छे कार्य करिए, फल की आशा मत करिए, वैसे ही हमारे श्री गोपाल शेट्टी जी बोलते हैं, मुझे हमेशा एडवाइस करते हैं कि समाज के बीच में रहिए और अच्छे कार्य करिए। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि मैं पार्टी के साथ कर सकता हूँ, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि मैं पार्टी के साथ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करता हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम रहा भक्ति को लेकर, भक्ति ले रहे, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ आपने सुना, और जिस तरह से आपने श्री श्री जी के किन वाक्यों और किन उनके शब्दों पर आप चल रहे हैं, और आपको लगता है इसी तरह से कार्य करना है इस ट्रस्ट के माध्यम से? देखिए, भक्ति लहर का जो मतलब है, उसके अंदर सब चीज़ें ना, हम सोचने जाए तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। गुरु जी आज विश्व गुरु है, शांति फैलाते हर जगह पे, यूथ को आगे लेके आते हैं, यूथ को एक गलत रास्ते पे जो जा रहे हैं तो उनको रोकने की प्रयास करते हैं, कुछ भक्ति, कुछ सत्संग और सेवा का उनको पाठ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मैं भी प्रेरित हूँ उनसे कि भाई मैं यही रास्ते पे चलूँ जितना मुझसे हो सके। देखिए, मैं हर एक घर में जा जा के मैं नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ये अवेयरनेस से कितने लोग ये मार्ग पर जा रहे हैं। ज़िंदगी में पैसा हर कुछ नहीं है, भक्ति का मार्ग भी होना ज़रूरी है, जो गुरुजी सिखाते हैं। और ये समझिए कि मुझे ऐसा हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहूं समाज के लिए। क्या लगता है, सभी को भक्ति से जुड़े रहना चाहिए, यूथ को, जिस तरह से आप इन सब कार्यों के साथ, बहुत सारे कार्यों के साथ, हर चीज़ों को करते हुए भी आप भक्ति से भी कनेक्टेड हैं? देखिए, सबसे पहला तो आप ये जो सवाल कर रहे हो उसके बारे में, भक्ति एक सनातन धर्म है हमारा जो इतने सालों से चल रहा है,
और आज एक सनातन धर्म के जितने भी सनातनी हैं उनको हर एक तरह से जिंदगी में घर से लेके बाहर से लेके पूरे भारत को बचाने के लिए भक्ति के लहर में आना पड़ेगा, सनातनियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। किस तरह देखते हैं जो तारा माई चैरिटेबल ट्रस्ट ने के द्वारा आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही बढ़िया कदम उन्होंने किया है। एक्चुअली गुरुदेव बॉम्बे में आने वाले हैं, उसके उपलक्ष्य में ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सत्संग से क्या होता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी लोग भक्ति में रहते हैं मगर अपने घरों में रहते हैं ना, तो दे कांट कम एनीवेयर। तो ऐसे ही इस समय जैसे एक सोलफुल भजन सुनने को मिला तो उनके अंदर की वो शक्ति जागृत हो जाती है, दे गेट दैट गुड वाइब्रेशन। तो इसके वजह से ये आज इतने लोग आए, उन्होंने एंजॉय किया, जो सत्संग एंजॉय किया, जो भक्ति में वो आज लीन हो गए, उन्होंने डांस भी किया आपने अगर देखा होगा तो दे वर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। बाकी जो रूटीन वर्क है वो तो चलता ही रहता है ना, दिन भर खाना बनाओ, घर जाओ, ऑफिस जाओ, ये जाओ, वो जाओ, सब चालू रहता है। बट समथिंग डिफरेंट जब करते हो तो वो एनर्जी, वो उत्साह, वो आनंद कुछ अलग रहता है। तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो आज का आयोजन किया था सत्संग को लेकर, सुर की लहर, भक्ति की लहर, किस तरह देखते हैं आप इसे? एक्चुअली धर्मेश जी का हर एक कार्यक्रम में मैं हमेशा रहता हूँ, क्योंकि इनके कार्यक्रम अलग अलग, हर एक प्रोग्राम में कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू व्यूज़, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। धर्मेश जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष संयोजक है, और वो हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग लोगों को जोड़ाना उनका एक बड़ा काम रहता है। और आज का ये सत्संग जो श्री श्री आ रहे हैं, तो श्री श्री क्या आने का पहले अगर इतना लोगों को बुला के उनके लिए बताना, श्री श्री की एनर्जी हमको, मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ लेकिन जब हम धर्मेश जी को देखते थे तो एनर्जी कहाँ से आती थी वो हम जब देखते थे तो मुझे पता, आज पता चला कि श्री श्री जी का उनके पर बड़ा आशीर्वाद है। और आज लोगों ने, हमने भी फील किया कि एक एनर्जी जो एनर्जी लेवल इतना बढ़ता है जब भजन द्वारा बनता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है, इसका आज का जो सत्संग जो उन्होंने किया है मैं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही कार्यक्रम तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट में होते रहे ऐसी मेरी शुभकामना है, मेरी पत्नी की तरफ से और मेरी तरफ से उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्ट है तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की, और आज जो भक्ति लहर प्रोग्राम था क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहा लोगों के लिए जो आप लोगों की तरफ से आए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ धर्मेश भाई का, अल्पा मैडम का और तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिन्होंने सदगुरु और सदमार्ग के पर चलकर इतनी अच्छी व्यवस्था की। और लोगों के जो आप कह रहे हैं ना नौजवानों में, आज के डेट में नौजवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि आज का नौजवान मोबाइल से बाहर ही नहीं आता है। और वो श्री श्री जिन्होंने एक ट्रेंड चेंज किया है, जिस तरह से कपड़े का पैटर्न, हर चीज़ का एक पैटर्न चेंज होता है ना, तो श्री श्री ने भी बहुत ही अच्छा भक्ति का पैटर्न चेंज कर दिया। पहले के लोग सोचते थे कि हिमालय पर कर कहीं समाधि लगाकर यहाँ कहीं ऐसे बैठकर भक्ति भाव किया जाता, लेकिन श्री श्री ने क्या किया, हंसते गाते नाचते झूमते आप भगवान को याद करो, जैसे भी रहो जिस भी अवस्था में रहो आप सदमार्ग पर चलो और गुरु से कनेक्टेड रहो। गुरु एक ऐसी सीढ़ी है जो हम लोगों को, मनुष्य को परमात्मा से मिलाता है, मोक्ष को प्राप्ति को कराता है, और यही जीवन है, यही नरक है, यही स्वर्ग है। तो गुरु जीवन में, गुरु के सदमार्ग पर चलते हुए हम सब कुछ यहीं भोग कर जाएंगे। और हमारे नौजवानों को भी ये चीज़ मानना पड़ेगा कि आज जो कर्म हम अच्छे करेंगे यहीं हमको भोगना है और यहीं से जाना है। तो क्या लगता है जब आप इस संस्था से जिस सोच के साथ जुड़ी थी क्या लग रहा है के साथ ये संस्था काम कर रही है आगे? मैंने जो सोचा ना उससे कहीं गुना ज़्यादा बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और सत्संग में मैं मतलब फर्स्ट टाइम आ जाई हूँ लेकिन मुझे भी बहुत मतलब बहुत यहाँ पे आनंद हुआ, और कुछ हर वक्त कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी TM City का ऐप्स भी लोगों हो चुका है, और वहाँ से बच्चों को, हमारे गोर गरीब बच्चों को भी बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत एक अलग ही खुशी हो रही है कि TM City में जुड़कर ना मुझे बहुत आनंद हो रहा है। ट्रस्ट के साथ आप जिस तरह से लगातार जुड़कर काम करें, क्या आज आपने फील किया इस भक्ति लहर? देखिए वहाँ पे एक प्रोफेशन की बात है, वह हमारा प्रोफेशन जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ बात दिल से है। और जब कोई भी चीज़ दिल से होती है ना तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, रिजल्ट होता है, वो अप्रतिम होता है, जिसकी कोई तुलना नहीं है वैसा है। तो आज भी जैसे ये जो सत्संग की लहर जो दौड़ी, ठीक है, वो काफ़ी हटके थी, कोई एक चीज़ को एक फ्लो में करना और हटके करना, तो मुझे जहाँ लगता है कि धर्मेश भाई है, अल्पा भाभी है,
तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम है वो कुछ काम हटके ही करती है। तो जब आपने इस भक्ति लहर की शुरुआत धर्मेश जी के साथ सोची होगी, क्या सोच के साथ की, किस तरह से लोगों को कहाँ कनेक्ट करना है? भक्ति से कनेक्ट करने का मतलब ये होता है, जैसे आज आपने देखा कि सत्संग में जो गायक थे उन्होंने एक बात कही कि सत्संग करने से क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक छोटे बच्चे को आपने देखा कि उसको ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ था, आंख पे पट्टी बांधी हुई थी, पट्टी बांधते हुए भी वो पढ़ सकता था, वो सारी चीज़ें पढ़ सकता था। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। उन्होंने यही बोला कि इसमें कोई मैजिक नहीं है, विज्ञान है। तो भक्ति से लोगों को विज्ञान से जोड़ने का काम हो रहा है। ये भक्ति या सनातन धर्म, मैं खुद एक फॉलोअर हूँ, मैं सनातन धर्म को धर्म ना मानते हुए उसे विज्ञान मानता हूँ। तो यही विज्ञान का प्रसार प्रचार हो रहा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, पर सनातन विज्ञान का प्रसार और प्रचार हो रहा है। धन्यवाद। First of all, I would like to thank Dharmesh ji for inviting me for Art of Living satsang. More on, it makes me realize that yes, life is not that short. You still have a chance to study more, and this is exactly what I got to hear here. Apart from that, now I'm going to Mount Everest, and Dharmesh ji has also said me that I should announce it officially that I am looking for financial support, as it is a huge amount that we have to gather for Everest. It's 31 lakhs, and the Nepal permit is 9 lakhs. कहना चाहेंगे जिस तरह से आप भी धर्मेश जी के साथ लगकर और इस भक्ति लहर में भी आप मौजूद रहे, किस तरह आपने इस भक्ति लहर को सुना और देखा? हाँ, भक्ति की लहर ये कभी फिलहाल गुरुदेव, मेरे जो गुरु है श्री श्री रविशंकर जी, वो फिलहाल मुंबई आ रहे हैं, तो इस एक माध्यम से हम लोगों तक जुड़ रहे हैं कि आप आइए, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम कोर्सेज सिखाते हैं, क्योंकि लोगों को इतना तनाव है लोगों के जीवन में, सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी है। ऐसा नहीं है कि गरीब दुखी है, पैसे वाले को ज़्यादा डिप्रेशन है। तो हाउ टू कम ओवरकम फ्रॉम दिस डिप्रेशन, इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है, उसके सब अलग अलग कोर्सेज सिखाए जाते हैं। तो हम, मेरा कोशिश है कि चलो तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं कि गुरुदेव आ रहे हैं, उनके साथ आइए, मिलिए उनसे। तो इसलिए ये भक्ति की लहर चल रही है। तो ये 25 तारीख को हो रहा है, 25 फरवरी को गोरेगांव गुरुदेव आ रहे हैं, 26 तारीख को वर्ली में है, और 27 तारीख को थाना में आ रहे हैं। तो लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप आइए, उनके सानिध्य में रहिए, और जो भी तनाव, जो भी उनको वहाँ पर समर्पण करिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस इतने से छोटे से प्रोग्राम में भी लोग खुश होके गए, कितने तनाव से आए थे, क्या टेंशन लेके आए थे, और हंसी खुशी चेहरे एक स्माइल के साथ जा रहे हैं। जब इनकी खाली फोटो से ये हो रहा है, तो सोचिए कि जब वो खुद आएंगे तो कैसा रहेगा, राइट?